All right, friends. So Professor Williams is not applicable. It means Professor Williams EOQ model is not applicable if there is a price fluctuation. अगर आपका price constant नहीं है, अगर आपका price constant नहीं है, तो you cannot apply Professor Williams. Professor Williams आप क्या बोलते हैं कि आपका price of material क्या होना चाहिए? Constant होना चाहिए. Ordering cost per order constant होना चाहिए. आपका जो carrying cost का जो percentage है वो भी constant होना चाहिए. अगर आप वो fluctuate करोगे according to decision, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे. All right? अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, मैं आपको कराता हूं. अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर, मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोफेसर विलियम्स का ईओक्यू मॉडल एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा. प्रोफेसर विलियम्स का ईओक्यू मॉडल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए आंसर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर पेज नंबर 4. This is from question book और इसका solution आपको दे रखा है. Question number 8, question number 8, page number 1.8 and this is from solution book. Solution book, ये आपका question book. Question number 8, page number 4 and question number 8. पेज नंबर 1.8, 1.8 आप सॉल्यूशन बुक में देख सकते हैं एंड क्वेश्चन बुक में आपका पेज नंबर 4 पे है. एक्सेल लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर, एक्सेल लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ द मटेरियल इज एज अंडर. प्राइस पर टन आपका रहेगा 1200, इफ द टन्स आप लेंगे लेस देन 500. अगर आप लेस देन 500 लेंगे तो प्राइस क्या रहेगा? 1200. 500 से ज्यादा, 500 या 500 से ज्यादा, बट लेस देन 1000 लेंगे तो 1180. 1000 या उससे ऊपर लेंगे बट लेस देन 2000 लेंगे तो 1160. 2000 और उससे ज्यादा लेंगे बट लेस देन 3000 तो 1140. 3000 एंड अबव आप लेंगे तो आपको 1120. ऑल राइट फ्रेंड्स, द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल इज 5000 टन्स, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द मेटेरियल कॉस्ट पर एनम. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, इट मीन्स ईओक्यू. ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इज मिनिमम, वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इज मिनिमम, वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इज मिनिमम. इट मीन्स आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं. इट मींस योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग टोटल, टोटल मटेरियल कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग टोटल मटेरियल कॉस्ट. पहला आपका आ जाएगा फ्रेंड्स योर ऑर्डर साइज, देन आप ले लीजिए परचेज कॉस्ट, then you take your ordering cost, then you take your carrying cost, and then you'll get your total cost. Okay, अब देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है friends कि इफ यू परचेज, आपका व्हाट इज द एनुअल रिक्वायरमेंट. सबसे पहले आप ये देखिए व्हाट इज द एनुअल रिक्वायरमेंट. एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन इज 5000 टन्स. व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन 5000 टन्स. प्राइस पर टन इज 1200 रुपीज, लेस देन 500. लेस देन 500 मीन्स यू कैन परचेज एनी क्वांटिटी.
लेस देन 500 का मतलब क्या हुआ कि यू कैन परचेज एनी क्वांटिटी विच इज लेस देन 500. अब कोई स्टूडेंट लेगा 400, कोई स्टूडेंट लेगा 300, कोई स्टूडेंट लेगा 100. तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक यू नो, अपन एक ऐसा कर लेते हैं कि 500 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस एवरेज करके अपन ले लेते हैं. इट मींस जैसे 500 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 250. दूसरा आप ले लीजिए 500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज 750 टन्स. देन आप ले लीजिए 1000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज 1500 एंड 2000 सिमिलरली अपन एवरेज कर लेंगे 2000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2 2500 आपका आ जाएगा एंड 3000 एंड अबव को 3000 एंड अबव को वी कैन कंसीडर दिस इज योर इट मींस यहां पे आप ले लीजिए पहला आपका आ जाएगा 0 प्लस 500 दूसरा 750 तीसरा 1500 चौथा 2000 प्लस 3000 2000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2 इज 2500. सही है सोनो फ्रेंड्स. व्हाट इज द परचेस क्वांटिटी 5000 टन्स. क्या रेट आपको लगेगा 1200. फिर आपका लगेगा 5000 टन्स इंटू 1180, 5000 टन्स इंटू 5000 टन्स इंटू 1140, 5000 इंटू 1200 इज 60 लैक्स, 5000 इंटू 1180 59 लैक्स, 5000 इंटू 1160 58 लैक्स, 5000 1140 57 लैक्स. सही है सुनो फ्रेंड्स. इफ यू परचेज 250 तो आपको प्राइस लगेगा 1200, टोटल आपका कॉस्ट आएगा 60 लैक्स. इफ यू परचेज 750 आपको प्राइस लगेगा 1180 59 लैक्स. इफ यू परचेज 1500 आपको प्राइस लगेगा 1160 58 लैक्स. इफ यू परचेज 3000 आपको प्राइस लगेगा 1140 एंड दिस. अब आप आ जाइए नेक्स्ट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. इट मींस 5000 यू आर परचेजिंग 250, यू आर परचेजिंग 750, यू आर परचेजिंग 1500 एंड यू आर परचेजिंग 2500. एंड व्हाट इज द पर ऑर्डर का कॉस्ट? पर ऑर्डर का कॉस्ट इज 1200. सही है सुनो. All right, friends. Half of
250, half of 750, half of 1500, half of 2500. What is the rate of material? 1200, 1180, 1160, 1140 into what is the cost of material carrying 20%. It means 250 divided by 2 into 1200 into 20% is 30,000. 750 divided by 2 into 1180 into 20% is 88,500. 1500 divided by 2 into 1160 into 20% is 1,74,000. And 2500 divided by 2 into 1140 into 20% is 2,85,000. Per order ka cost is 1200. So 5000 divided by 250 into 1200 is 24,000. 5000 divided by 750 into 1200 is 8,000. 5000 divided by 1500 into 1200 is 4000. 5000 divided by 2500 into 1200 is 2400. It means, now you take one by one, 60 lakhs plus 24,000 plus 30,000. It means 60 lakhs plus 24,000, 60 lakhs 54,000. This will be your 60 lakhs 54. Then 59 lakhs plus 8,000 plus 88,500 is 59,96,500. 59,96,500. Then 58 lakhs plus 4,000 plus 174. 59,78,000. Then 57 lakhs plus 2400 plus 2,85,000 is 59,87,400. Iska matlab, in this case you cannot apply the formula because your price is fluctuating according to the order size. EOQ ka pehla, Professor Williams bolte hain ki my first assumption is price of material is constant, carrying cost ka percentage is constant, ordering cost is constant, so you can apply my formula, otherwise you cannot apply my, in this case you cannot apply the formula. Aapka kya aa raha hai, 60,54,000 kaise aaya, 60,24,000, 30,000, 59,88,500 ye aa gaya aapka, 58,4,174 ye aa gaya aapka, 57,24,000 ये आ गया आपका. सही है, सुनो फ्रेंड, ऑर्डर साइज, फिर आपका परचेस कॉस्ट आपने निकाला, आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला, कैरिंग कॉस्ट निकाला, एंड फिर आपका आ गया टोटल कॉस्ट. सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हूँ. ओके, अब यहां तक आ गया आप 2500. अब ये क्या बोला, 3000 एंड अबव, तो वी आर एज्यूमिंग 3000 एंड अबव में वी आर एज्यूमिंग ओनली 3000 and above. It means quantity, order size,
परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट. व्हाट इज द ऑर्डर साइज 5000. सिंगल ऑर्डर देंगे हम लोग 5000. आपको रेट क्या लगेगा इस 1120. 3000 अब आपको हम लोगों ने एक ही मान लिया कि हम एट ए टाइम 5000 खरीदेंगे. 5000 इंटू 1120 इज 56 लैक्स. 5000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200. सिंगल ऑर्डर है ना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 1200. हाफ ऑफ 5000 इंटू व्हाट इज द रेट 1120 इंटू 20% आपका हो जाएगा. इट मींस 5000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1120 इंटू 20% इज 5,60,000. इट मींस 56 लैक्स प्लस 1200 प्लस 5,60,000 योर टोटल विल बी 61,200. सही है, सुनो. इसका मतलब वेर इज योर मिनिमम कॉस्ट. योर मिनिमम कॉस्ट इज 59,78,000. इट मींस दिस इज योर मिनिमम कॉस्ट 59,76,000. 59,76,000 विल बी योर मिनिमम कॉस्ट. सही है, सुनो. 59,78,000 दिस विल बी योर मिनिमम कॉस्ट. आगे क्या बोल रहा है, दिस इज योर आंसर नंबर ए. तो आंसर नंबर ए में यू शुड परचेज ए क्वांटिटी ऑफ 1500 जिसमें आपका कॉस्ट आएगा ये. सही है, सुनो फ्रेंड, परफेक्टली क्लियर हो. 59,78,000 आपको क्या आ रहा है, सबसे मिनिमम कॉस्ट 59,78,000. 59,78,000 आपका मिनिमम कॉस्ट. अब ये क्या बोल रहा है कि वी शुड परचेज क्वांटिटी 1500. अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देर आर नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्राइस पर टन इज 1500. अगर आपका प्राइस पर टन कॉन्स्टेंट है तो फिर प्रोफेसर विलियम्स का जन्म हो जाएगा. प्रोफेसर विलियम्स आप क्या बोलते हैं, बी ए. ए फॉर एनुअल कंजम्पशन 5000, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट 1500 का 20% एंड दिस कम्स टू 300. अप्लाई द फॉर्मूला, इट मींस EOQ इक्वल टू योर 2 देन A देन 2 2 A देन O. व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट इज 300. सही है, सुनो फ्रेंड्स. It means 2 into 5000 into 1200 divided by 300 and this comes to 200. If you purchase 200 then you will get the minimum cost. अब उसको compare करना पड़ेगा EOQ निकालने के हिसाब से ना. सही है, सुनो फ्रेंड. 200, okay? It means if your order size is 200, what is your purchase cost? It means 5000 into 1500, it means 75 lakhs. 5000 divided by 200 into
1200. It means 5000 divided by 200 into 1200 is 30,000. Half of 200 into 1500 into 20%. It means 200 divided by 2 into 1500 into 20% is 30,000. So 75,60,000. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? कैसे आया 75,60? पहले हम लोगों ने क्या निकाला? व्हाट इज द ए? ए फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट 5000, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट 1500 का 20% इज 300. EOQ विल बी 2AO डिवाइडेड बाय C. इट मींस दिस कम्स टू 200. 5000 इंटू 1500 75 lakh. 5000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 12 30,000. हाफ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस कम्स टू, तो हमारा तो वैसे ही कॉस्ट कितना आ रहा था 15,78,000 और इसमें क्या आ रहा है अपना 75,60. इट मींस वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस, वी विल गो फॉर दिस मेथड ओनली. सही है सुनो, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस से यस ऑन आवर फ्रेंड्स. परफेक्टली क्लियर होना, आर यू फॉलोइंग? अपना यहां पे कॉस्ट क्या रहा है? योर कॉस्ट इज कमिंग 75,60,000. 75, और मैंने आपको क्या बताया था, एज पर ईओक्यू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट विल बी ऑलवेज सेम, बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली. देखो यहां पे दे रखा ना प्राइस इज कॉन्स्टेंट. वॉट विल बी योर आंसर टू द क्वेश्चन, to the above question, if there are no discount offered and the price per ton is 1500 rupees. Price per ton is 1500 rupees. Your price per ton is 1500 rupees. आपका price per ton क्या आएगा? आपका price per ton आएगा 1500 rupees. Say yes or no friends. Perfectly clear or not? बताइए आप मुझे प्रॉपरली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर यू फॉलोइंग मी? इट मींस बी में हम लोग को व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन, इट मींस वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल 1500 वाला, वी विल कंटिन्यू परचेजिंग 1500. This. Say yes, perfectly clear or not? Okay. All right, friends. ये आपके दो तरह के थे. अगर if the price अगर आपका constant है, you can apply the formula and use this. If the price is not constant, then you go this. इट मींस मैंने आपको दोनों इसमें कवर करके बता दिए करके. सही है सुनो, आपको दोनों मैंने ये कवर करके आपको बता दिए. सही है सुनो, ओके. अब आपका एक लास्ट कंसेप्ट इसमें बसता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड दिस इज एप्लीकेबल इन बोथ योर कॉस्टिंग एज वेल एज एफएम. इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट. मैंने आपको कराया था, जिन लोगों ने मेरे से एफएम किया है, जिन लोगों ने मेरे से एफएम किया है, आप लोगों ने अगर मेरे से एफएम किया है तो मैंने आपको कराया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके. सही है सुनो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे से एफएम किया है उनको मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैं ये कराया था. फिर भी मैं वापस से आपको करा देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स. यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर हाउस, इट मीन्स दिस इज योर, ये आपकी मॉम है,
बराबर वो कैसे मैनेज करती हैं घर को वो जरा देखिए। जैसे सपोज आपके घर का, सपोज ये मैं एक सिचुएशन आपके सामने लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज योर सपोज शुगर कंजम्पशन एंड दिस इज योर लीड टाइम, और इसको बोलते हैं डिलीवरी टाइम। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर शुगर का कंजम्पशन एंड दिस इज योर लीड टाइम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं डिलीवरी टाइम, लीड टाइम और डिलीवरी टाइम। सपोज आपके घर का मैक्सिमम कंजम्पशन, यह सब आपको जो मैंने सॉल्यूशन बुक दिया है, सॉल्यूशन बुक में पेज नंबर 1.8 पे मैंने यह एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप जरा देख लीजिए। अगर आपके घर का मैक्सिमम कंजम्पशन है शुगर का, आपके घर का मैक्सिमम कंजम्पशन है शुगर का से 20 केजी एंड दिस इज से पर डे, मैक्सिमम 20 केजी पर डे एंड योर मिनिमम कंजम्पशन इज 10 केजी पर डे। इट मींस what will be your average consumption? Average consumption will be 20 plus 10 divided by 2 is 15 kg per day. And your EOQ, economic order quantity, is 200 kg. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी इसको हम लोग बोलते हैं। सही है, सुनो फ्रेंड्स, मींस योर मैक्सिमम कंजम्पशन इज 20 केजी पर डे, योर मिनिमम कंजम्पशन 10 केजी पर डे, योर एवरेज कंजम्पशन 15 केजी। इट मींस कैसे निकाला, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड योर EOQ, योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 केजी। अब जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते उससे डिलीवरी करने में मैक्सिमम लगता है 20 डेज, आपको मैक्सिमम लगता है 20 डेज का टाइम। जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे तो शॉपकीपर बोलता है साहब मुझे 20 डेज मैक्सिमम लगेगा, 10 डेज मुझे मिनिमम लगेगा आपको डिलीवर करने में। इट मींस एवरेज डेज आपका क्या हो जाएगा, एवरेज डेज आपका हो जाएगा 15। सही है, सुनो फ्रेंड्स, मींस मैक्सिमम आपको 20 डेज लगेगा, मिनिमम आपको 10 डेज लगेगा, और एवरेज आपको जो लगेगा टाइम वो 15 डेज लगेगा। एवरेज जो आपको लगेगा वो आपको क्या लगेगा, इज ए 15 डे। आर यू फॉलोइंग ऑन फ्रेंड, आपको ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, राइट? रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है ईओक्यू, ईओक्यू मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि भाई जहां पे हमको सबसे कम कॉस्ट आएगा हम वही ऑर्डर तो प्लेस करेंगे, और ईओक्यू का मतलब क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी मींस रीऑर्डर वही क्वांटिटी करेंगे जहां पे हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट आता है। हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट कहां पे आ रहा है, हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट कहां पर आएगा, हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रहा है वहीं पे तो हम रीऑर्डर करेंगे। तो ईओक्यू मींस योर रीऑर्डर क्वांटिटी, ये आपका 20 केजी, ये आपका 10 केजी, ये आपका 15, ये आपका 200, ये आपका, सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपको दे रखा है। अब आपसे
क्या क्या पूछा जा सकता है ये जरा आप ध्यान रखिए। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा योर रीऑर्डर लेबल, सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में योर रीऑर्डर लेबल, रीऑर्डर लेबल आपसे क्या पूछा जाएगा, रीऑर्डर लेबल मींस कितनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि आप ऑर्डर प्लेस कर सको और कल को वो कंजम्पशन स्टार्ट हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इट मींस रीऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, योर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू योर मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम मींस कल से बेकार क्या होगा कि आपका 20 केजी पर डे का कंजम्पशन शुरू हो जाएगा, और बेकार से बेकार क्या होगा कि आपका जो शॉपकीपर है आपको 20 डेज के बाद डिलीवरी देगा, बेकार से बेकार आपका क्या होगा कि सारे रिलेटिव्स आपके कल से ही आना शुरू हो जाएंगे, एंड बेकार से बेकार क्या होगा कि ये मैक्सिमम टाइम ले लेगा डिलीवरी करने में। इसका मतलब 20 केजी इंटू 20 डेज, 20 केजी इंटू 20 डेज इट मींस दिस कम्स टू 400 केजी। अगर आप 400 केजी पे ऑर्डर करते हो, अगर आप 400 केजी आपके पास है और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, आपके पास 400 केजी जैसे ही मटेरियल होगा आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, आपके पास 400 केजी मटेरियल रहेगा और इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। आपके पास 400 केजी मटेरियल रहेगा तभी इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो कल से क्या होगा, मान लो आपके सारे के सारे रिलेटिव आ जाते तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होगा, आपका मैक्सिमम कंजम्पशन होगा 20 केजी, और 20 इंटू वो कभी आपको डिलीवर करेगा 20 डेज के बाद, तो 20 400 केजी जैसे ही डिलीवरी आएगा आपका ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसका मतलब रीऑर्डर लेवल आपका होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर लेवल आपका रहेगा मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। 400 केजी जैसे ही आपके पास ऑर्डर होगा आपको ऑर्डर नया प्लेस कर देना चाहिए, आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कल से हमारे सारे रिलेटिव हो जाएंगे, हमारा 20 केजी पर डे हमारा कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा 20 20 20, और ये हमको कब डिलीवरी देगा, 20 दिन के बाद। तो एवरीडे हमारा 20 केजी कंजम्पशन होगा, एवरीडे हमारा क्या होगा 20 केजी कंजम्पशन, और 20 डेज के बाद ही अपने को भेजेगा। इसका मतलब 400 केजी खत्म होते होते हमको नया ऑर्डर मिल जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, रीऑर्डर लेवल। व्हाट यू मीन बाय रीऑर्डर लेवल, मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू योर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दिस इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस ज्यादा से ज्यादा आप कितना स्टॉक रख सकते हो। यहां पे तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, अब ये पूछ रहा है दूसरा कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस ज्यादा से ज्यादा आप कितना स्टॉक रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप कितना स्टॉक रख सकते हो बराबर आपके। तो भाई ठीक है, एक तो आपको ये तो रखना ही पड़ेगा 400 केजी, इट मींस 400 केजी तो रखना ही पड़ेगा, इट मींस आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा रीऑर्डर लेबल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, बोलो, रीऑर्डर लेवल ईओक्यू
मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, इट मींस आरओएल। आरओएल का आपका क्या आया था, आरओएल आपका आया था 400 केजी, आरओएल आपका निकल के आया था 400 केजी। इट मींस 400 केजी आपको अलाउ हो जाएगा, प्लस आपका ईओक्यू क्या है, ईओक्यू आपको 200 माइनस व्हाट इज योर मिनिमम कंजम्पशन 10 केजी और मिनिमम लीड टाइम आपका 10 डेज एंड दिस इज 10 केजी, 10 डेज एंड 10 केजी। इट मींस मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आप कितना स्टॉक रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक रख सकते हो 400 प्लस 200 माइनस 100 इज 500 केजी। ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक रख सकते हो 500 केजी, मींस इससे ज्यादा स्टॉक आपको रखने का अलाउ नहीं है, इसके ज्यादा स्टॉक आपको रखने का अलाउ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक कितना रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक रख सकते हो ओनली आरओएल, आरओएल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम 400 200 10 into 10। अब आपका आता है कि व्हाट इज द मिनिमम स्टॉक लेवल, मींस कम से कम आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए। ये आपने ऑर्डर प्लेस किया बराबर, कम से कम आपके पास क्या स्टॉक होना चाहिए, उसके लिए फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, देखो जरा, दिस इज योर मिनिमम, मिनिमम मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल मींस योर रीऑर्डर लेवल माइनस, रीऑर्डर लेवल माइनस योर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, या अगर आपके पास नॉर्मल कंजम्पशन है तो आप नॉर्मल कंजम्पशन भी ले सकते हैं, मैंने सब लिखा हुआ है वहां पे, नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू ये आपका क्या होगा मिनिमम स्टॉक लेवल, ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। आप नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू, अब देखो रीऑर्डर लेवल आपका क्या था, रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने निकाला था 400, रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने कितना निकाला था बोलो, रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने निकाला था इज ए 400 केजी बराबर, माइनस व्हाट योर एवरेज कंजम्पशन इज 15 डेज 15 केजी, 15 केजी इनटू 15 डेज, इसका मतलब आपका आ जाएगा 15 इनटू 15 माइनस 400 इज 175 केजी, आपका क्या आ जाएगा 175 केजी, आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 175 केजी, 175 मिनिमम, मिनिमम स्टॉक लेवल में क्या आएगा आपका, मिनिमम स्टॉक लेवल में आपका क्या आएगा आरओएल, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, आरओएल आपको दे ही रखा था, हमने कैलकुलेट किया था 15 केजी इनटू 15 175, ये आपका है। फिर आपका आएगा कि एवरेज स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्टॉक, इट मींस एवरेज स्टॉक कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मींस योर मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इट मींस योर एवरेज स्टॉक इक्वल टू, एवरेज स्टॉक इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मैक्सिमम आपके पास क्या था 500, मिनिमम आपके पास क्या है 175, एंड दोनों को आप डिवाइड कर दो बाय 2, इट मींस 500 प्लस 175 डिवाइडेड बाय 2 इज 337.5, इज दिस क्लियर होना, 337.5 बोलो, यस ऑर नो फ्रेंड्स,
337.5। ओके, तो मैं आपको सम्स कराऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप यहां तक बताइए थोड़ा थोड़ा, आपको फिर अगर नहीं जम रहा है तो फिर आपको लॉजिक एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको याद ही रखना है। बोलो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, कि कल से सारे रिलेटिव आना स्टार्ट हो जाए तो भी हमको प्रॉब्लम होगा नहीं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, सही है सुनो फ्रेंड। अब आप समझ लीजिए मैक्सिमम कंजम्पशन रीऑर्डर लेवल आपका क्या हो जाएगा कि भाई कल से मेरे सारे रिलेटिव, आप समझ रहे हैं, आपके पास 400 केजी का स्टॉक था और आपने क्या कर दिया, दिस इज योर रीऑर्डर लेवल, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब कल से बेकार क्या हो सकता है कि भाई आपके सारे रिलेटिव आ जाएंगे, वो 20 केजी शुगर यूज करेंगे और बेकार से बेकार ये आपको डिलीवरी कितने 20 डेज के बाद करेगा, इट मींस दिस इज 400 केजी, सही है सुनो, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आप बताइए मुझे। प्रॉपर ऑन आपके सारे रिलेटिव स्टार्ट हो जाएंगे और मैक्सिमम शुगर यूज करना शुरू कर देंगे और 20 डेज के बाद हमको डिलीवरी, इसका मतलब 400 की, फिर आपका मैक्सिमम स्टॉक, फिर आपका मिनिमम, फिर आपका एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो जाके आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर नाइन एंड योर पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर नाइन पेज नंबर 5 फ्रॉम योर क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 1.9 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए जरा, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज नॉर्मल यूसेज, अगर नॉर्मल यूसेज दे रखा है तो आपको नॉर्मल लेना है, एवरेज नहीं लेना है। ओके, नॉर्मल यूसेज 50 पर वीक ईच, रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब ये ईओक्यू आपका हो जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी 300-500, मैक्सिमम यूसेज 75 पर वीक ईच, मिनिमम यूसेज 25 पर वीक ईच, लीड टाइम ए 4-6 वीक, बी 2-4 वीक्स, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम एंड स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, तो मैं इनको आपको करके बताता हूं, ठीक है, अपन इनको अरेंज कर लेंगे। पहले रीऑर्डर लेवल, फिर आपका ये आ जाएगा मैक्सिमम लेवल, फिर मिनिमम लेवल एंड फिर एवरेज। ओके, तो पहले गिवन करके आप लिख लीजिए क्वेश्चन 9 को, पहले गिवन करके अपन लिख लेते हैं। इसको कंजम्पशन बोलो या यूसेज बोलो, इसको लीड टाइम बोलो, बराबर बराबर, एक की जगह यहां पे दो अपने को दे रखे हैं, ए बी ए बी, मैक्सिमम मिनिमम
एवरेज नॉर्मल, यहां पर तो दोनों सेम ही दे रखे हैं, नॉर्मल एंड दिस, एंड ईओ क्यू भी बोल सकते हैं इसको, और रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। सही है सर, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज नॉर्मल एंड ईओ क्यू। सही है सर। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज, नॉर्मल यूसेज है उनका 50 एंड 50, रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 फॉर ए 500 फॉर बी, मैक्सिमम यूसेज है 75 75, मिनिमम यूसेज है 25 25, एवरेज आपका हो जाएगा 75 + 25/2 = 50, वो नॉर्मल भी आपको दे रखा है अलग से, 75 + 25/2 आपका क्या हो जाएगा 50। लीड टाइम 4 to 6 weeks है ए का, 4 6, इट मींस एवरेज हो जाएगा 6 + 4/2 = 5, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, इट मींस 4 + 2/2 विल बी एवरेज 3। सही आंसर ये आपको क्लियर हुआ कि मैक्सिमम आपका है 75 75 कंजम्पशन और यूसेज, मिनिमम है आपका 25 25 75 25 divided by 2 75 25 divided by 2, एवरेज आ गया, नॉर्मल आपका 50 50 है, ईओ क्यू और आर ओ क्यू 300 and 500 है, मैक्सिमम आपका 6 and 4 है, मिनिमम आपका 4 and 2 है, 6 4/2 = 5, 4 2/2, ये आपका ए, ये आपका बी, ए ये आपका बी, एंड दिस इज योर लेट टाइम। सही है सुनो, अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपसे पूछा है रीऑर्डर लेवल, तो वो तो एकदम सिंपल है, आंसर नंबर ए इज ए रीऑर्डर लेवल। मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ए बी, ए का व्हाट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन 75 75, व्हाट इज द मैक्सिमम लीड टाइम 6 and 4, एंड दिस कम्स टू 75 into 6 is 450, 75 into 4 is 300, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम, आंसर ए रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ए एंड बी, मैक्सिमम कंजम्पशन 75 75 into maximum lead time 6 and 4, and this comes to 450 and 300। सही है सुनो, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बोलो, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर, एंड फर्स्ट आंसर इज ए रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सही है सुनो, अब आगे अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम लेवल, लेकिन मैं पहले उससे पहले सी पार्ट आपका करता हूं, मैक्सिमम लेवल ये आपका ए, देन अब आप आ जाइए सी पार्ट, पहले फर्स्ट दीजिए सी पार्ट, वो भी मैं आपको करा के बताता हूं फ्रेंड्स, सी पार्ट पहले अपन सी पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट,
सी में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इट मींस सी योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम स्टॉक लेवल? इट मींस योर आरओएल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये मैंने आपको सॉल्यूशन में दे रखा है पूरा। मैक्सिमम कंजम्पशन आरओएल, रीऑर्डर लेवल ईओक्यू और आरओक्यू भी बोल सकते हैं इसको, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, इट मींस ए एंड बी। व्हाट इज योर आरओएल? 450 एंड 300, 450 एंड 300 प्लस, और आप क्या ऐड कर सकते हो? 300 एंड 500, 300 एंड 500 माइनस व्हाट इज योर मिनिमम? मिनिमम कंजम्पशन इज 25, minimum consumption is 25 and what is the minimum lead time? Minimum lead time is 4 and minimum lead time is 4 and what is the minimum lead time is 2. Say yes or no, friends. कंजम्पशन आपका 25 इंटू, इट मींस 450 प्लस 300 माइनस 100 विल बी 650 एंड 300 प्लस 500 माइनस 50 इज 750। रीऑर्डर लेवल पहले मैंने आपको आंसर कर दिया, फिर मैंने आपको आंसर सी किया है, ओके ए कर दिया, ए आपका क्या हो गया आरओएल, एंड फिर मैंने सी किया है ए और बी। मैक्सिमम दिस इज आरओएल प्लस ईओक्यू, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सही है, सुनो, आर यू क्लियर ऑन दिस? इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सही है सर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज आरओएल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, इनटू मिनिमम लीड टाइम। सही है सर। नेक्स्ट आपका क्या आएगा फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट आपका आएगा इज ए मिनिमम स्टॉक लेवल। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल, इट मींस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? बोलो, मिनिमम स्टॉक लेवल, ओके, इट मींस आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन या फिर नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। आरओएल इज एवरेज कंजम्पशन इनटू या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज, इट मींस ए एंड बी। व्हाट वाज योर आरओएल? आरओएल इज 450 300 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इज 50 एंड 50 एवरेज इज 5 एंड 3 एवरेज लीड टाइम आपको दे रखा ना फ्रेंड, एवरेज लीड टाइम निकाला था ना हम लोगों ने। मैक्सिमम
प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, मैक्सिमम प्लस स्टॉक। स्टॉक कैसे निकाला था अपन ने, बोलो। ये कैसे निकाला था, 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 50, 75, 25 डिवाइडेड बाई 2, ओके, इट मींस 50 इंटू 5, 250 माइनस 450 विल बी 200, एंड 50 इंटू 3 माइनस 300 इज 150। सही है सुना। एंड फाइनली एवरेज स्टॉक, वो तो एकदम सिंपल है। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स एवरेज स्टॉक, बोलो। एवरेज स्टॉक तो एकदम सिंपल है, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, इट मींस एवरेज स्टॉक इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, ए एंड बी। व्हाट इज ए, 650 प्लस व्हाट इज द मिनिमम, 200 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द मैक्सिमम, 750 प्लस, सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 का लिया है ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। इट मींस 650 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 इज 425, 750 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 इज 450। एवरेज स्टॉक आपका 425 एंड 450। सही है सुनो, दिस इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहां से ले लिया, मिनिमम स्टॉक लेवल यहां से ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या आ जाएगा आपका, बोलो, एवरेज स्टॉक लेवल। सही है, यस और नो फ्रेंड्स, एवरेज स्टॉक लेवल आपका क्या आ जाएगा, बोलो, एवरेज स्टॉक लेवल। से क्लियर होना, बोलो। ऑलराइट, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर पेज नंबर 5 फ्रॉम क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 5 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 1.10 इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। Are you following friends? बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे पास एग्जाम्स के समय आपके, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही रखा है प्रिंटेड फॉर्म में, ओके? तो आप पूरा बराबर से कॉन्सेंट्रेट करिए तो आपका काम हो जाएगा। सही है सुन, पहले बात आपको क्या दे रखा है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स प्रोडक्ट पर मंथ। जब मैंने ये पेपर चेक किया बच्चों का, पता चला कि मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है, मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्शन है। क्या मैन्युफैक्चर करती है, 5000 यूनिट्स। बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है,
बच्चों को लगता है कि ये मेटेरियल मेटेरियल नहीं है, ये फिनिश्ड गुड्स है, ये फिनिश्ड गुड्स है, ये आपका क्या है फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, हमको क्या है हमको मेटेरियल चाहिए, हमको कंजम्पशन चाहिए। ओके क्या बोल रहा है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मंथ, इसका मतलब ये प्रोडक्शन है, ये कंजम्पशन नहीं। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, इट मींस योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100। द परचेज प्राइस, एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। द परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल इज 10। परचेज प्राइस 10, इसका मतलब जरूरत पड़ी तो ईओक्यू अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपका प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आप ईओक्यू विलियम्स का ईओक्यू अप्लाई हो जाएगा। द रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 8 वीक, इट मींस रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 8 वीक, मींस इसको क्या बोलते हैं लीड टाइम। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मेटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 to 450, इट मींस एवरेज आपका जो कंजम्पशन है, एवरेज आपका कंजम्पशन है 100 भी हो सकता है या 420 450 भी हो सकता है। इट मींस 100 to 450, इट मींस 100 to 450, इसका मतलब आपका एवरेज कंजम्पशन होगा 100 plus 450 divided by 2, and this comes to 275 kg. What your consumption? Consumption is 275. The average consumption आगे आपको दे भी रखा है 275. The carrying cost is 20% per annum. C is 20% per annum. लेकिन यहाँ पे maximum student mistake करते हैं, उनको लगता है कि ये consumption है, ये mistake नहीं करना। ये मिस्टेक आप प्लीज नहीं करना, बोलो प्रॉमिस, से गॉड प्रॉमिस, ये मिस्टेक आप एग्जाम में नहीं करना। क्या पूछा आपसे, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको क्या बताया है, इज ए ईओक्यू, और यहां पे विलियम्स लग जाएगा क्योंकि प्राइस ऑफ मटेरियल आपका रीऑर्डर लेवल अपन निकाल लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम एंड दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन मेन इसमें पॉइंट यही था, प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स है, ये आपका कंजम्पशन नहीं। आ जाइए, इट मींस पहला वापस से मैं गिवन करके लिखता हूं, गिवन ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स, इट मींस आपका प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स पर मंथ। पहले गिवन करके सब लिख लोगे ना तो आपको काफी इजी लगेगा, ये 5000 पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, इट मींस ओ मींस योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 पर ऑर्डर। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10। पी मींस योर परचेज price, and what is your purchase price is ₹10 per kg, purchase price ₹10 per kg. The reorder period, it means your lead time, reorder period is 4 to 8 weeks, whatever. The consumption of material varies 100 kg to 450 kg. It means your minimum consumption is 100 kg. Maximum consumption will be 450 kg. एंड एवरेज आपको दे रखा है 275 केजी एवरेज कंजम। द कैरिंग कॉस्ट, सी फॉर योर कैरिंग कॉस्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट इज
20% per annum. Say yes or no, friends. Production, what is your production? Is 5000 units per month. O means your ordering cost, 100 rupees. P means your purchase price, 10 rupees per kg. Lead time, 4 to 8 weeks. Minimum consumption, 100 kg. Maximum consumption, 450. Average, 275. And carrying cost, 20% per annum. Now you first find out what is the reorder quantity. Reorder quantity means your EOQ. क्योंकि हम रीऑर्डर कौन सी क्वांटिटी को करेंगे जहां पे हमारा मिनिमम कॉस्ट आएगा और मिनिमम कॉस्ट हमारा कहां पे आता है एट ईओक्यू. मिनिमम कॉस्ट हमारा कहां पे आता है? हमारा मिनिमम कॉस्ट आता है ईओक्यू. इसका मतलब ईओक्यू, योर ईओक्यू एंड योर रीऑर्डर क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम. यहां पे प्राइस ऑफ द मटेरियल आपका क्या है? प्राइस ऑफ द मटेरियल आपका कॉन्स्टेंट है. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कॉन्स्टेंट है. कैरिंग कॉस्ट आपका कॉन्स्टेंट है. कोई चेंजेस नहीं है. जैसे प्रीवियस समय मैंने बताया इतना खरीदोगे तो ये प्राइस है, इतना खरीदो, वैसा यहाँ पे नहीं है. ईओक्यू आपको दे रखा है फ्रेंड. इसका मतलब ईओक्यू इक्वल टू योर 2AO डिवाइडेड बाय सी. 2AO डिवाइडेड बाय सी, 2 इंटू व्हाट इज द कंजम्पशन. अब कंजम्पशन आपको निकालना पड़ेगा, ये जरा ध्यान रखना. ये तो आपका प्रोडक्शन था, ये आपका प्रोडक्शन था. हमको क्या चाहिए? हमको कंजम्पशन चाहिए. ये क्या था? ये प्रोडक्शन था. हमको क्या चाहिए? कंजम्पशन. इट मींस योर एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू व्हाट इज योर कंजम्पशन. एवरेज कंजम्पशन 275 पर वीक इंटू 52 वीक्स. इट मींस 275 इंटू 52 इज 14,300. It means 2 into 14,300 divided by 20%. 20% of 10. 10 ka 20% will be your carrying cost 2 and ordering cost. Ordering cost is rupees 100. Say yes or no, friends. Yaad aa raha hai ki nahi? 2A. A for annual consumption. O for ordering cost. 20 का 20% ऑफ 10 इज 2. इट मींस 2 इंटू 14,300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी योर 1196. इट मींस 1195.82 और यू से 1190. So, yes, 1195, it means ये आपका क्या हो जाएगा 1196. ये आपका क्या हो जाएगा एनुअल. सही है. आंसर नंबर वन इज ए रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर क्वांटिटी मीन्स योर आंसर नंबर वन रीऑर्डर क्वांटिटी और आपका ईओक्यू. ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा आपके क्या होते हैं? सेम. रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी एंड दिस हमेशा आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये हमेशा आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं हमेशा. से यस ऑर नो फ्रेंड्स? तो आपका ईओक्यू, यहाँ पे आपका ईओक्यू हो जाएगा 2AO डिवाइडेड बाई सी. 2AO डिवाइडेड बाई सी, ये आपका 1195 आपको हमेशा खरीदना चाहिए. तो आपको 1196 अगर आप खरीदेंगे तो आपको जो टोटल कॉस्ट है, जो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा. सही है सुनो फ्रेंड्स. 1196 है वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिनिमम मिलेगा. दूसरा क्या बोल रहा है? रीऑर्डर लेवल. मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स? बोलो. आंसर नंबर टू इज ए रीऑर्डर लेवल. इट मींस योर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू योर मैक्सिमम लीड टाइम. योर
maximum consumption. What is your maximum consumption? 450. What is the maximum lead time? 8 weeks. It means 450 kg into 8 weeks. Into 8 weeks. Say yes or it means 450 into 8 is 3600 kg. 3600 kg. 8 weeks mein aapko deliver karega 3600 kg. 3600 kg. Say yes or no. Phir aapse pucha gaya hai friends is a maximum stock level. Third aapko kya pucha gaya hai friends? Maximum your maximum stock level. Kya hota hai? It means your ROL plus EOQ minus minimum consumption into minimum lead time. ROL. What is your ROL? ROL is 3600. EOQ aapne nikala tha 1196. 1196 into minimum consumption. What is the minimum consumption? Is minimum consumption is 100, minimum lead time is 4. 100 and minimum lead time 4. 3600 1196 4796 minus 400 is 4396. Aapka kya aega? 4396. Say yes or no. What is the maximum stock level? Formula maine aapko kya likha hai tha? ROL plus EOQ minimum consumption into minimum lead time 4396 3600 1196 100 into 4. Say yes or no. Perfectly aapko clear ho raha hai ki nahi. Ye aapka reorder level. Reorder level means your maximum consumption into maximum lead time. Maximum consumption into maximum lead time. अब आपका क्या पूछ रहा है friends? Next आपसे पूछ रहा है is a minimum level of stock. This is your minimum stock level. It means your ROL minus average consumption into average lead time. Average consumption into average. आपका ROL क्या आया था friends? 3600. Average consumption. Average consumption है अपना. What is the average consumption? Is 275. And average lead time. Average lead time is 4 plus 8 divided by 2. 4 plus 8 divided by 2 is 6. It means 275 into 6. Minus 3600 is 1950. Average stock level. Average stock level means maximum plus minimum divided by 2. Maximum aapka nikla tha maximum stock level. Maximum stock level 4396. Maximum stock level 4396. Minimum stock level 1950 and divided by 2. It means 4396 plus 1950. 4396 plus 1950 and divided by 2 is 317. Oh yeah. मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर हो गए इसके अंदर. सही है सर. मैक्सिमम आपके पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए. क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स बोलो. सही है सर. Average stock आपका क्या हो जाएगा? Average stock means your maximum plus minimum divided by 2.
मैक्सिमम मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 ये आपका हो जाएगा। तो यस नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो ना? ओके, आगे आप जरा देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको मजा आएगा फ्रेंड्स। ओके देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 1.10, दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, ये क्वेश्चन बुक और ये सॉल्यूशन बुक। यस नो फ्रेंड्स, बोलो, स्टार्ट करें। मेसर्स ट्यूब्स लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेटिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग 2016। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, हाँ ध्यान रखना ये प्रोडक्शन है आपका, प्रोडक्शन कितना है 2000 मंथली आपका प्रोडक्शन हो जाएगा 2000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट 100। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सी इज 20% पर एन। कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स, परचेज प्राइस इज 500। इसका मतलब प्रोफेसर विलियम्स का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि यहां पे प्राइस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। नॉर्मल यूसेज, यस ये यहां से हमको पता चलेगा कंजम्पशन। बहुत सारे बच्चे यहां पे ही मिस्टेक करते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन। इट मींस क्या है आपका 100 है पर वीक, इट मींस इनटू 52 आपका क्या हो जाएगा 5000, ये आपका निकल के आएगा कंजम्पशन, ये आपका प्रोडक्शन है। ओके, मिनिमम यूसेज 50, मैक्सिमम यूसेज 200, तो एवरेज हो जाएगा आपका 50 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 125। लीड टाइम टू डिलीवरी, इट मींस 6 to 8, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, इट मींस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। कंप्यूट द अबव, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इट इज वर्थ एक्सेप्टिंग। पहले तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, फिर उसको कंपेयर करिए इफ द सप्लायर इज रेडी टू गिव 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। सही है सोनो फ्रेंड्स, पहले गिवन करके अपन लिख लेते हैं, दिस इज गिवन। मेसर्स ट्यूब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टीवी। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग 2016। मंथली मार्केट डिमांड, इट मींस दिस इज योर प्रोडक्शन बिकॉज दिस इज योर सेल्स एंड डिमांड। व्हाट इज द डिमांड इज 2000 नंबर्स, ओ फॉर योर ordering cost, and what is the ordering cost is 100 rupees per order. C for your carrying cost, and your carrying cost is 20% per annum. Cost of tubes, it means PP, purchase price is 500. normal usage is 100 number, minimum
मिनिमम इज 50 नंबर्स, मैक्सिमम मैक्सिमम इज 200 नंबर्स, एंड लीड टाइम, लीड टाइम इज मैंने आपको बताया डिलीवरी टाइम 6 to 8, इट मीन्स ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो एवरेज हमारा हो जाएगा 6 + 8/2, 6 + 8/2 इज 7, सही है सोना फ्रेंड्स। क्या करेंगे, इट मीन्स प्रोडक्शन प्रोडक्शन सेल्स डिमांड 2000 नंबर्स, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, पीपी मीन्स परचेज प्राइस 500, नॉर्मल यूसेज 100, मिनिमम 50, मैक्सिमम 200, लीड टाइम 6 to 8, इट मीन्स 6 + 8/2 इज 7, सही है सुनो, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है करिए। What is the economic order quantity? What is the formula? It means EOQ 2AO divided by C. लेकिन ये formula कब use हो सकता है? When the price of the material is constant. What is the price of the material? 500. Ordering cost constant. Carrying cost constant. Percentage constant. Order का per order का cost is constant. And like this. Say yes or no, friends. Okay, so it means your 2A. A for annual consumption. What is your annual consumption? Annual consumption nikalna padega, friends. Annual consumption. Aapka minimum consumption kya hai? Aapka average consumption kya hai? Kya de rakha? Normal usage. Normal usage. Aapko normal usage kitna de rakha hai? 100. 100 into 52. 100 into 52 is 5200. It means 5200 divided by C for carrying cost 20% and 500. 500 ka 20% is 100. Ordering cost is 100. It means 5200 into 2 into 100 divided by 100, and this comes to 101.98, or you can say 102, 101.98, or you can say 102, आपका consumption आपका हो जाएगा 102, सही है सुनो, परफेक्ट क्लियर होना, बोलिए ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब आपका क्या आ रहा है 102 ईओक्यू। अब ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट मींस आपके हिसाब से, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इट इज वर्थ एक्सेप्टिंग, क्या हमें लेना चाहिए, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा, बोलो कंपेयर करना पड़ेगा, यस और नो। सॉल्यूशन पेज पे मैंने आपको दिया है, देखो जरा 1.11 पे ना, इट मीन्स देखो वही अपना, इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर 1, स्टेटमेंट टोटल मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर साइज purchase cost ordering cost carrying cost
total cost. What is the order size? At present हम लोग कहां पे काम कर रहे हैं? EOQ. और ये क्या बोल रहा है कि if you purchase 1500 then there is a discount. सही है सुनो. स्टेटमेंट शोइंग, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल मटेरियल कॉस्ट, देन ऑर्डर साइज, देन परचेज कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन कैरिंग कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट. इट मींस 102 एंड 1500. सही है सुनो. व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? इट मींस योर परचेज कॉस्ट इज, आपको कितना परचेज करना है. व्हाट योर एनुअल कंजम्पशन इज 5200 निकाला था ना अपन ने, 100 into 52, 5200. नाउ व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज 500, बट इफ यू परचेज 1500 देन देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 5%. इट मींस 500 into 95%, इट मींस 5200 into 500 इज 26 lakhs. 5200 into 500 into 95% is 24,70,000. सही है सुनो, 24,70,000. सही है सुनो, 26 lakhs और 24,76,000. देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, 5200 खरीदेंगे हम लोग, 5200 खरीद रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे 1500 का एक, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे 102 का एक, एक ऑर्डर का कॉस्ट है 100 rupees. व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? एनी कॉस्ट इनकरिंग फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर. इट मींस 5200 102 into 100 एंड दिस कम्स टू 5098. देन 5200 divided by 1500 into 100 इज 347. कैरिंग कॉस्ट हाफ, याद है ना फ्रेंड्स, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू, हाफ इंटू 102, हाफ इंटू 1500 इंटू, वॉट इज द रेट इज 500, वॉट इज द रेट 500, बट देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, सो 95% इंटू दिस इज 20% एंड 20%. इट मीन्स 102 divided by 2 into 500 into 20% इज 5100. देन 1500 divided by 2 into 500 into 95% into 20% is 71,250. Okay, it means 26 lakhs plus 5098 plus 5100, 2470, 347, and this, it means 26 lakhs plus 5098 plus 5100, 2610 198, and this 2470 plus 347 plus 71,240 is 2541 597. It means we should buy, क्योंकि हमारा कॉस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, काम आ रहा है. सही है, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ही है क्वेश्चन, सब आपके जो दे रखे हैं वो सिमिलर टाइप ही हैं, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम करके, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा. सही है सुनो फ्रेंड्स, तो पहला आपका आंसर हो गया, क्या पूछ रहा है अपने से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों ने निकाल दिया इज ए 102,
देन उसके बाद और सॉल्यूशन मैंने सब आपको दे ही रखे हैं, आप ध्यान दीजिए. इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इट इज वर्थ एक्सेप्टिंग. देन मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, देन आपका हो जाएगा दिस इज योर आंसर नंबर टू. मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल. ओके, तो पहले अपन क्वेश्चन आंसर नंबर फोर कर लेते हैं बराबर, तो अपन का सीक्वेंस में चला जाएगा ना फ्रेंड. ओके, पहले अपन निकाल लेते हैं आंसर फोर. आंसर नंबर फोर बोलो, दिस इज योर री ऑर्डर एंड लेवल. री ऑर्डर लेवल इट मीन्स मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. व्हाट इज योर मैक्सिमम कंजम्पशन? मैक्सिमम यूसेज 200. व्हाट इज द मैक्सिमम लीड टाइम? द मैक्सिमम लीड टाइम इज 8 एंड दिस कम्स टू 1600. मैक्सिमम लीड टाइम इज 1600. ठीक है, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टॉक लेवल. दिस इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इट मीन्स टू मैक्सिमम योर स्टॉक लेवल, इट मीन्स ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. ROL आपको दे रखा है 1600, EOQ निकाला था 102, माइनस व्हाट इज द मिनिमम कंजम्पशन? मिनिमम कंजम्पशन इज 50. व्हाट इज द मिनिमम लीड टाइम? इज 6. सही है सोना फ्रेंड्स, इट मींस 1600 प्लस 102 माइनस 300 इज 1402. ओके, देन मिनिमम स्टॉक लेवल, इट मींस आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, इट मींस मिनिमम स्टॉक लेवल इज 3. मिनिमम स्टॉक लेवल 3 आंसर अपन कर रहे हैं. इट मींस योर ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. ROL आपको दे रखा है फ्रेंड्स, ROL आपको दे रखा है 1600 माइनस एवरेज कंजम्पशन. व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन? एवरेज कंजम्पशन आपका हो जाएगा 50 प्लस 200, या नॉर्मल कंजम्पशन है तो नॉर्मल ले लेंगे राइट. मैंने आपको बताया ना एवरेज की जगह नॉर्मल दे रखा है, तो नॉर्मल इनटू एवरेज 6 प्लस 8 7, इट मींस 1600 माइनस 700 इज 900. बोलो यस सर. अगर आपको नॉर्मल दे रखा है तो नॉर्मल ले लीजिए. सही है सर. रीऑर्डर लेवल 200 इनटू 8, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL EOQ, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम इज, मिनिमम स्टॉक लेवल इज ROL एवरेज इनटू एवरेज. सही है सर. सही है सर. नाउ आप देखिए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड पेज नंबर आपको दे रखा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पेज नंबर 6. आराम से एक एक पॉइंट को आप, एंड सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना कि आपके पास सॉल्यूशन बुक है राइट. सॉल्यूशन बुक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पेज नंबर सिक्स आपको दे रखा है. सही है सुनो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 6 आप देख लीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 12
पेज नंबर 1.11, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 1.11, दिस विल बी योर फ्रॉम सॉल्यूशन एंड बुक, ये आपका क्वेश्चन बुक, ये आपका सॉल्यूशन बुक, ठीक है। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल, ये आपका एक अलग आ गया डेंजर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी तो मैंने आपको क्या बताया था, रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू आपका हमेशा क्या होता है, इज ए सेम। रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इट मीन्स आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 rupees पर ऑर्डर। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज, इट मीन्स आपका एनुअल कंजम्पशन है 5000 यूनिट्स। देन परचेज प्राइस, परचेज प्राइस आपको कॉन्स्टेंट दे रखा है इज 50 rupees, इसका मतलब विलियम्स का ईओक्यू अप्लाई हो जाएगा। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इट मीन्स आपका कैरिंग कॉस्ट है 5। डिटेल्ड ऑफ लीड टाइम, लीड टाइम एवरेज 10 days, मैक्सिमम 15 days, मिनिमम 5 days, इट मीन्स आपका लीड टाइम मतलब आज अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो मैक्सिमम आपको 15 दिन में मिल जाएगा, मिनिमम आपको 5 दिन में मिल जाएगा, और अगर आप इसको एवरेज करोगे तो आपको मिनिमम 10 days में मिल जाएगा, ठीक है। और इमरजेंसी में मतलब एकदम आपको इमरजेंसी आ गई और आपने खरीदा तो आपको 4 days में मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन मैक्सिमम आपका कंजम्पशन है 20, मैक्सिमम आपका कंजम्पशन है 20, मिनिमम आपका कंजम्पशन आपको निकालना है क्योंकि एवरेज आपको दे रखा है इज ए 15, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। पहले अपन अरेंज कर लेते हैं सब, अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट दिस इज गिवन मींस ओ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 20, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज, इट मींस ए योर एनुअल परचेज, योर एनुअल परचेज इज 5000 नंबर्स। परचेज प्राइस पीपी, दिस इज योर परचेज प्राइस, व्हाट इज द परचेज प्राइस इज 50 rupees। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इट मीन्स सी, सी फॉर योर कैरिंग कॉस्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट इज 5। डिटेल ऑफ लीड टाइम, ओके, इट मीन्स ये आपका कंजम्पशन और ये आपका लीड टाइम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये एवरेज और ये डेंजर। मैक्सिमम लीड टाइम एवरेज 10, मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम 5, 15 + 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा। और इमरजेंसी में अगर आपको डेंजर मींस इमरजेंसी में अगर आपको खरीदना है, इट मींस इमरजेंसी में आपको खरीदना है तो आपको 4 days लगेंगे, ओके। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15, एवरेज 15 और मैक्सिमम 20, इसका मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 इस एवरेज होता है आपका, एवरेज आपको दे रखा है 15, मैक्सिमम आपके पास 20 है, ये डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10,
x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10। यू कैन वेरीफाई 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 15। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल, देन मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी आपने को चाहिए तो ईओ क्यू आपका हो जाएगा 2AO डिवाइडेड बाई सी, 2AO, 2 A, A फॉर एनुअल कंजम्पशन 5000, A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या है, व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 20 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज 5। इट मीन्स 2 × 5000 × 20 डिवाइडेड बाई 5 का रूट करेंगे एंड दिस कम्स टू 200 यूनिट्स। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ईओक्यू क्या होता है, 2AO डिवाइडेड बाई सी। क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि परचेस प्राइस कॉन्स्टेंट है, कैरिंग कॉस्ट कॉन्स्टेंट है और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कॉन्स्टेंट है, तो प्रोफेसर विलियम्स आपकी हेल्प कर देंगे। तो 2 × 5000 = 20 डिवाइड बाई 5 एंड दिस कम्स टू 200 यूनिट्स हम लोगों ने ले लिया। ओके, ये हमारा क्या हो गया ईओक्यू। अब आप आगे आ जाइए फ्रेंड्स, आगे अपने को क्या बोल रहा है देख लीजिए, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, रीऑर्डर लेवल, दिस इज योर आंसर नंबर 1 इज ए रीऑर्डर लेवल। इट मींस योर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। व्हाट इज योर मैक्सिमम कंजम्पशन, योर मैक्सिमम कंजम्पशन इज 15, मैक्सिमम लीड टाइम इज 20। इट मींस 15 × 20 इट मींस 20 इज योर लीड टाइम एंड योर मैक्सिमम कंजम्पशन इज 15, सो दिस कम्स टू 300। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300, ये आपका क्या आ जाएगा 300, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, दूसरा आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, रीऑर्डर लेवल, देन सेकंड इज ए मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इट मींस योर ROL प्लस योर ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ROL इज 300, EOQ is 200 माइनस व्हाट इज द मिनिमम 5 कंजम्पशन एंड 10 डेज, 5 × 10 इट मींस 300 + 200 - 50 = 450। सही है सुनो फ्रेंड्स, पहले अपन ने क्या किया इज ए रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल इज व्हाट मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन 15, मैक्सिमम लीड टाइम 20 300, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL EOQ, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम 300 200 5 10 and 450। देन मिनिमम स्टॉक लेवल, थर्ड इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ROL व्हाट इज द ROL, ROL आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ROL आपको दे रखा है 300 माइनस व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इज 10, एवरेज टाइम इज 15, 10 × 15 इट मींस 150, 300 माइनस 150 इज 150। सही है सुनो फ्रेंड्स, 150 इट मींस योर मिनिमम स्टॉक लेवल, इट मींस 150, 300, 10 × 15 इज 50।
फिर आपका लास्ट में आ जाता है फ्रेंड्स, एक आपका नया है, इज ए डेंजर लेवल, डेंजर डेंजर लेवल, इट मींस डेंजर लेवल, इट मींस योर एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू, अगर कभी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो कितना टाइम लगेगा, इनटू इमरजेंसी टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन, व्हाट इज योर एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इज 10, और अगर इमरजेंसी में भी खरीदना पड़ा तो 4 डेज लगेंगे, तो 10 × 4 आपका डेंजर लेवल है 40, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 दिन तो आपको लगेंगे ना इमरजेंसी में भी, और 10 आपका एवरेज कंजम्पशन, 40 तो आपका डेंजर लेवल है, फटाक से आपको 40 होते ही आपको ऑर्डर ढूंढना शुरू कर देना चाहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आप प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आई थिंक आपको लॉजिकली एकदम मैंने क्लियर करा दिया है रीऑर्डर लेवल आपका। ओके, आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स, यस और नो? ओके, ऑलराइट, चलो।